आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी जो क्लास चल रही थी थोड़ी देर पहले, जिसमें मैं लाइव था, जो शाम को 4 बजे डेली शेड्यूल पर चलती है, जिसमें मैं आज प्रतिशत पढ़ा रहा था, परसेंट चैप्टर देख रहा था, लेकिन ड्यू टू बैड इंटरनेट कनेक्शन वो क्लास प्रॉपरली आप तक पहुँच नहीं पा रही थी। जब पहुँच रही थी तो बफरिंग काफ़ी ज़्यादा थी, ये मैंने देखा था। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो क्लास अगर एंड कराई गई है टीम की तरफ से तो वो क्लास आपको मिलेगी नहीं, वो क्लास आपको आगे के सारे क्वेश्चन के साथ मिलेगी। कब मिलेगी इसकी जानकारी ही देने के लिए ही मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, इस वीडियो का कोई और उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, इस क्लास को जो कि अभी आपको मैं लाइव दे रहा था प्रतिशत से संबंधित, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा था, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, और ये दावा है मेरा इस क्लास के लिए, अभी तक शायद उसमें 12 क्वेश्चन हुआ था। मेरा ये दावा है कि इस क्लास के बाहर से प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर इस क्लास को सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत की इसी क्लास को आप देख लेते हैं ढंग से, बहुत अच्छे से, पूरी पूरी, जिसको मैं अभी रिकॉर्ड करके आपके सामने शाम को, आज ही शाम को 10 बजे से डलवा दूंगा। रात में 10 बजे से इसका प्रीमियर आपको मिल जाएगा या क्लास को पब्लिश कर दिया जाएगा, जो आपको क्लास प्रॉपर मिलेगी, मतलब कुछ भी चीज़ें उसमें मिसिंग नहीं होगी। बड़ी बात, एक चीज़ और देखा, जब अभी क्लास एंड की गई तो क्लास एंड करने के बाद जब मैंने सिस्टम पर देखा जाके, तो वहाँ पे कुछ बच्चे लिख रहे थे कि ये क्लास लाइव है क्या, उनका प्रश्न था ये क्या क्लास लाइव है क्या। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि क्लास तो लाइव थी। कमेंट सेक्शन मैंने इसलिए ऑफ किया है क्योंकि पढ़ाते समय होता है क्या है कि टीचर्स के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर वो कमेंट ही पढ़ता रहेगा तो 100% दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक, अच्छा, उसमें कुछ बच्चों का ये होता है कि किसी बच्चे का कमेंट रैंडमली पढ़ लिया और किसी दूसरे का नहीं पढ़ पाया, तो फिर वो गुस्सा होता है और हो सकता है कभी कभी आवेश में आके वो टीचर को अपशब्द भी कह जाता है। तो आज मैंने जानबूझ के उनसे बोल दिया था कि भाई मेरे लैपटॉप का जो मेरी स्क्रीन पर रहता है उसका, बल्कि आप उसका जो है नीचे रख दो उसको, मैंने देखा ही नहीं, मैं आप डायरेक्ट कैमरे पर नज़र थी क्योंकि सामने रहता है तो चीज़ें दिखती हैं, मैंने उसको बोल दिया था किनारे रख दो। अब जब मैं वहाँ जाकर देख रहा हूँ तो उसमें देख रहा हूँ बच्चे पूछ रहे हैं लाइव क्लास है क्या। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लाइव क्लास में और जो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन या मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक या मैथ के कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाते हैं क्या? क्या डिफरेंट होता है उसमें? मैथ्स में कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक डिफरेंट होती है, या फिर क्या मैथ के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, उनका सोल्यूशन बदल जाता है कि लाइव क्लास में ही सोल्यूशन सही आएगा, बाई चांस अगर कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा है तो उसमें नहीं देखेंगे, क्या होता क्या है उसमें? आपको सेम सारी चीज़ें वही मिलती हैं ना। मुझे तो कोई कहे कि आप लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास में क्या प्रीफर करेंगे, तो मैं तो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास ही प्रीफर करूंगा भैया, 2x लगाया और उसको फटाफट देख के पढ़ लिया, जो नोट करने वाली चीज़ें हैं उनको नोट्स बनाया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, काम खत्म। लाइव क्लास में चीज़ें अच्छी हैं, आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो, बच्चों से बातचीत करते हो, लेकिन वो बातचीत कभी कभी एक्सेस हो जाती है। तो आप टीचर्स के, किसी भी टीचर्स के लिए ये मत कहा करो कि अगर उनके लिए लाइव क्लास है या नहीं है, यार मेहनत बहुत लगती है चाहे क्लास लाइव हो या रिकॉर्डेड फॉर्म में हो। तो बस आप ये याद रखिएगा कि आपको बाकी बची हुई क्लास रात में 10 बजे से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, क्योंकि 10 बजे मैं यहाँ हूँगा नहीं तो मैं लाइव ही ले लेता। ठीक है, तो आप याद रखना, आज ही, आज मतलब तारीख कितनी है, 11 जुलाई, इस 11 जुलाई को आपको रात में 10 बजे ये क्लास पूरी कंफर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो एंजॉय करिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, इससे आपको परे रहना चाहिए, लाइव है रिकॉर्डेड है। ठीक है, और बाकी कल सुबह 10 बजे वाली क्लास के लिए भी लाइव रहिएगा, जिसमें रेलवे में आने वाले प्रश्नों को मैं आपको, जो सेशन शुरू कर रहा हूँ वो भी आपको मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।